संत योहन क्रिसोस्तम कलिसिया के महान धर्माचार्य, धर्म उपदेशक, इस शास्त्रीय एवं पूजन विधि के विद्वान थे। उसकी वाणी इतनी मधुर थी तथा वे ऐसे धारा प्रवाह से बोलते थे कि लोग उनको स्वर्णमुख कहते थे। वे बोलने की कला में निपुण थे। इनका जन्म 349 ईस्वी में एशिया माइनर के अंताकिया में हुआ था। संत बासिल, थियोडोर और अन्य मित्रों के साथ एक मठवासियों के आश्रम में इन्होंने पवित्र बाइबल और धर्म ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किया और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण बहुत जल्दी उसमें निपुण हो गए। 25 वर्ष के उम्र में उन्होंने अंताकिया के दक्षिणी सीमांतों पर स्थित एक पहाड़ी गुफा में रहने वाले सन्यासियों के मठ में शामिल हुए और एकांतवास करते हुए प्रार्थना और तपस्या का जीवन व्यतीत किए। बाद में अत्यधिक तबियत बिगड़ने पर वे अंताकिया लौटे और कुछ सालों के बाद उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। पुरोहित बनने के बाद वे अंताकिया के धर्माध्यक्ष के साथ रहकर उनके कामों में मदद किए। वे करीब 12 वर्ष अंताकिया में रहे और अपने जिम्मेदारियों को बड़ी लगनता के साथ पूरा किए। वे गरीबों और दुखियों के प्रति अत्यंत दयालु और उदार थे। उनकी सहायता के लिए वे हर संभव प्रयास करते थे। उनके प्रवचन बहुत प्रभावशाली होते थे। यही कारण है कि सारी पूर्वी कलिसिया में वे नामी हो गए और दूर दूर से लोग उनके प्रवचन को सुनने आते थे। उनके जोशीले प्रवचन मूर्ति पूजकों, पापियों और धर्म विरोधियों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देता था। एक बार पुण्य शुक्रवार को लोगों को एक उदाहरण से चुनौती दी। उसने कहा, कितने मिस्त्री रात में काम करते हैं और कितने सिपाही रात्रि में पहरा देते हैं, क्या हम उन्हीं की तरह इस रात्रि जागरण में प्रभु के प्रेम की महिमा के लिए प्रभु का साथ नहीं दे सकते हैं? सीरिया के सम्राट अर्कदियुस चुपके से क्रिसोस्तम को अपनी राजधानी कुस्तुनतुनिया ले आए, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी लोकप्रियता के कारण अंताकिया के विश्वासी आसानी से इस आदर्श पुरोहित को वहां नहीं जाने देंगे। कुस्तुनतुनिया के महाधर्माध्यक्ष के मृत्यु के बाद उसे वहां का धर्माध्यक्ष बनाया गया। धर्माध्यक्ष के पद पर आसीन होते ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी, ईमानदारी और निर्भीकता से निभानी शुरू कर दी। वे कलिसिया में प्रचलित अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने धर्माध्यक्षीय आवास के ठाठ बाठ एवं फिजूल खर्ची को बंद कर दिया और अत्यंत साधारण जीवन बिताने लगे। उन्होंने अपने प्रवचन में सम्राट के दरबार के विलासमय जीवन एवं पद और धन के दुरुपयोग के विरुद्ध उनको चेतावनी दी। इससे आम जनता बहुत खुश हुई, पर राजदरबारी, पदधारी और कुछ पुरोहितगण उनके इस व्यवहार से नाराज हो गए और धर्माध्यक्ष क्रिसोस्तम के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें देश से बाहर निर्वासित होने की सजा मिली। इस पर जनता में खलबली मच गई। लोग इसका विरोध करने लगे। क्रिसोस्तम लोगों को शांत करने के मकसद से संबोधित किया और कहा, भाई और बहनों, मेरे चतुर्दिक भयंकर तूफान उठा है, लेकिन मुझको रंच मात्र भी भय नहीं, क्योंकि मैं चट्टान पर खड़ा हूं। जो भी समुद्र गर्जन कर रहा है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये लहरें प्रभुवर ईसा मसीह की नौका को नष्ट नहीं कर सकती। मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि वह तो मेरे लाभ की रकम है। देश छोड़ने का भी दुख नहीं, क्योंकि सारी धरती ही भगवान की है।
माल असबाब के नष्ट हो जाने का रंच मात्र भी क्लेश नहीं, क्योंकि मैं इस संसार में नंगा आया था। हमें यहां से कुछ भी अपने साथ ले जाना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। यह सब मुझे इस कारण सहना पड़ रहा है कि मैंने अपनी प्रजा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए कोई बात उठा नहीं रखी है। बाद में लोगों के आग्रह और दबाव से अधिकारियों को मजबूर होकर उन्हें निर्वासन से वापस बुलाना पड़ा। उनके दुश्मन उन्हें कई बार जान से मारने का भी प्रयास किए, पर वे सफल नहीं हुए। पुनः दूसरी बार उन्हें निर्वासित होना पड़ा। इन सब अत्याचारों के बीच वे सदा संत पिता के प्रति विश्वस्त बने रहे और प्रभु और ख्रीस्त के प्रेम से सभी दुख और कष्टों को धैर्यपूर्वक सहते हुए प्रसन्न बने रहे। संत पिता इनोसेंट प्रथम इन्हें हर संभव बचाने का प्रयास किए, लेकिन शत्रुओं की कठोरता के सम्मुख उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। दूसरे निर्वासन के दरमियान 58 साल के उम्र में 13 सितंबर 407 को सब कुछ के लिए ईश्वर की महिमा हो कहते हुए अपनी अंतिम सांसें ली। ये सभी धर्म उपदेशकों के संरक्षक संत हैं।